हेलो एक्टर्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ओके सो यहाँ पे माइतो शो के लिए है, देखो एक बार ध्यान से। और 15 to 17 डे शूट है। ओके शूट इन अक्टूबर मंथ, मतलब अगले महीने के इसमें आई थिंक शायद शूट है। सो फटाफट से आप अपना यहाँ पे ऑडिशन दे सकते हो। ऑल एज ग्रुप है, सो जितने भी लोग हैं जो नए चैनल पर जुड़े हुए हैं, फटाफट से अपनी प्रोफाइल बनाइए अच्छी तरह से। आपके पास अच्छी तरह से आपकी वीडियोज़ होनी चाहिए, ऑडिशन की वीडियोज़ होनी चाहिए। आपको सुबह सुबह जैसे ही अपडेट्स आते हैं, फटाक से नंबर और ईमेल आईडी निकाल कर अपने आपको फटाफट से ऑडिशन भेजना है। जैसे कि ये 2 दिन पुराने हैं, बट इट्स ओके। 2-3 आई थिंक इट्स ऑफ 21st। अगर आपको लेटेस्ट ऑडिशन अपडेट्स चाहिए, आज फ्रेश ऑडिशन अपडेट चाहिए, हालांकि फ्रेश ऑडिशन अपडेट जैसे ही आपको मिलते हैं, चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। ओके जैसे मैं पहले देता था, अगर फ्रेश ऑडिशन अपडेट चाहिए तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पर आप अपने मुझे कॉल कर सकते हैं, और सॉरी मैसेज कर सकते हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एक छोटी सी नॉमिनल अमाउंट भर के फटाफट से आप अपना ऑडिशन भेज सकते हैं। आपके ऊपर, खुद के ऊपर ट्राई कर सकते हैं कि एक्टिंग में इस फील्ड में 6 मंथ दूंगा, 1 ईयर दूंगा, तो 1 ईयर का जितना भी इन्वेस्टमेंट है मंथली मंथली आप कर सकते हो। 1 मंथ आपको ट्राई करना है देखने के लिए, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट होगा 1 मंथ का, जो अब हमारा होता है 299 300 रुपीज़ उसके ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस क्या होगा, उतना ही होगा, 299 रुपीज़। ओके यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि फ्रेश अपडेट्स होने से क्या फ़ायदे होते हैं। ओके थिंग इज़ दैट कि कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, बट यही है कि जो पुराने अपडेट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपडेट्स दिए होते हैं, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन लाइक बहुत कम होता है। ओके बट इसके ऊपर पूरी पूरी आपका लक फैक्टर ये करता है। ओके बट वाई टू डिपेंड अपॉन लक फैक्टर, ओके वाई टू डिपेंड अपॉन इट। आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। सो जिसको जिसको करना है वो करेंगे। ओके डोंट थिंक अबाउट कि हो जाएगा, इसमें से भी कर लूँगा, लक फैक्टर होगा, वो करो मत। टाइम को पकड़ो, टाइम के हिसाब से चलो। ओके क्योंकि वाई आई एम टेलिंग यू कि पैंडेमिक चल रहा है, ऑनलाइन ऑडिशंस चल रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। आई डोंट नो कब तक चलेंगे, चलेंगे आई थिंक 3 to 4 months मैक्सिमम कोविड के वजह से। उसके बाद वापस से अगर ऑफलाइन ऑडिशन शुरू हो गए, उसका मतलब है ओपन ऑडिशंस। ओके जैसे अभी शुरू हुए, देखो यहाँ पे भी ओपन ऑडिशन चल रहे, थोड़े थोड़े चालू हो रहे हैं कहीं कहीं प्लेसेस पर। ओके सो ओपन ऑडिशंस होंगे तो आपको ओपन ऑडिशंस का पूरा पूरा डाटा मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, ओपन ऑडिशंस की इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आपको वहाँ पे जाके ऑडिशंस देने होंगे। ओके अभी यहाँ पे अभी ओपन ऑडिशंस थोड़े थोड़े सिटीज़ में चल रहे हैं, ध्यान से सुनो गाइस। ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओपन ऑडिशंस यानी कि आपको खुद जाके लाइन में खड़े होके यहाँ पे ऑडिशंस देने होते हैं। ग्रुप्स में मैसेज आएंगे हर तरफ में, बट ओपन ऑडिशंस के आएंगे आफ्टर 5 to 6 months, जब भी सब कुछ कोविड के हिसाब से अगर सब कुछ ओपन होगा तब। ओके अभी फ़िलहाल के लिए आप घर पर हो तो टेक एडवांटेज, फटाफट से 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, लेटेस्ट ऑडिशन के अपडेट्स पकड़ो। ओके और सुबह सुबह फटाक से आप खुद का ऑडिशन फटाफट से भेजते रहिएगा। प्लान फॉर 2 to 3 months। ओके अगले 2-3 मंथ का प्लान करो। ओके कब तक चलेगा, क्या चलेगा। ओके सो जितना टाइम है यूटिलाइज इट। उसके बाद आपको ग्रुप में मैसेजेस आएंगे डेफिनेटली, जो मेरे 2-3 साल पहले जैसे ग्रुप्स में मैसेजेस आते थे, हम डालते थे, ओपन ऑडिशंस के आते थे मैक्सिमम, ऑनलाइन ऑडिशंस के भी आते थे बट कम आते थे। ओके बट मुंबई, दिल्ली, हरियाणा जितने भी है, सो उनको ओपन ऑडिशंस के रिक्वायरमेंट बहुत आते थे, तो वो लोग क्या करते थे, सुबह सुबह ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिलती थी, फटाफट से निकल देते थे, तैयार होके स्क्रिप्ट उठा के तैयार होते थे, तैयार होके उस ऑडिशन, अब जहाँ पे ओपन ऑडिशन चल रहे वहाँ पे एक्टर्स जाते थे एक्चुअली, दे लाइक वो सब कुछ ऐसे करते थे, ऐसा चलता था। ओके सो वही तो बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ कि टेक एडवांटेज ऑफ कोविड सिचुएशन अभी फ़िलहाल के लिए। ड्यू टू पैंडेमिक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स सॉरी कास्टिंग डायरेक्टर्स, वो आपका पूरा पूरा डाटा ऑनलाइन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपको बुलाते हैं। सो वही करो कि सोचो एक बार ध्यान से। ओके फटाफट से अगर आप हो एक्टर, अगर आप टीनेजर्स हो, 21 to 25 में बीच में हो, 21 to 30 के बीच में भी हो, ओके अच्छा खासा, इफ़ यू आर अर्निंग समवेयर एल्स तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ऐसा मत मत करो वगैरह, एक्टिंग ओपन ऑडिशन ही देंगे ऐसा वैसा, इट्स अपॉन डिपेंड अपॉन यू। ओके मैं वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि टाइम का फ़ायदा उठाओ। ओके टाइम का डेफिनेटली फ़ायदा उठाओ,
बिकॉज आपको बाद में अगर ऐसा रिग्रेट ना हो जाए कि यार अभी तब होता तो ऑनलाइन ऑडिशन में कितना भेजता या कितना भेजती. ओके, सो डोंट डू इट. कुछ नहीं लगता, सुबह सुबह अपडेट्स आते हैं एंड एवरी एक्टर लाइफ ऐसी ही होती है. आपको लगा होगा कि ऐसा नहीं होता बट एवरी एक्टर लाइफ ऐसी ही होती है. ये इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलते ना ये उनके लिए बहुत प्रिशियस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो एक एन एक्टर होता है जो एक्टिंग फील्ड के लिए अपनी सिटी छोड़ के मुंबई आता है मुंबई आता है कहीं जाता है कहीं काम करता है, तो उनके लिए अपडेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अभी आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है ये चैनल्स आपके ऊपर चैनल्स आपके तक पहुँच रहा है तो ये आपको ईजी लगता है थोड़ा सा, आई कैन अंडरस्टैंड. बट वही अगर आप 2-3 साल पुराने एक्टर्स को पूछो, 2-3 साल पुराने एक्टर्स वन कोविड के सिचुएशन नहीं था उनको उनके उन एक्टर्स को पूछो तो उनको बोलो कि ये जो अपडेट्स होते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद में खुद जवाब दे देंगे. ओके, सो वही बोल रहा हूँ, टेक एन एडवांटेज ऑफ इट. फटाफट से फ्रेश ऑडिशन सुबह के सुबह 9-10 बजे तक आ जाते हैं. आपको क्या करना है, आपके पास ऑडिशंस होने चाहिए, खुद की प्रोफाइल बननी चाहिए, आपको वो प्रोफाइल सबको फटाफट से भेजनी है. अलग अलग एक ही ऑडिशन मत चिपकाओ, अलग अलग चिपकाओ जैसे उस जैसे रिक्वायरमेंट है. आप कहीं काम पे जाते हो जॉब, इफ़ यू आर वर्किंग इट, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन लो ही लो, क्योंकि मोबाइल पे होता है सब कुछ. मोबाइल से पकड़ो और सेंड करो. ओके, सो ऐसा है तो वही बोल रहा हूँ, बी स्मार्ट, हार्डवर्क करो. आप हार्डवर्क कर रहे हो बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करो क्योंकि कंपटीशन बहुत है. ओके, डिपेंड अपॉन यू, अभी आपको कैसा व्हाट सिचुएशन या आप किस में किस सिचुएशन में हो आप. सो गाइस यस, देखो एक बार पढ़ो ध्यान से. ओके, फटाफट से ऑडिशन भेजो. एक्टर के लिए ऑडिशन भेजना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू बी सिलेक्ट. ओके, तो ऑडिशन भेजो. ओके, एंड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना किस टाइप की वीडियो चाहिए, कौन सा किस डाउट के ऊपर वीडियो चाहिए. हमारी टीम आपको हेल्प करने में डेफिनेटली है यहाँ पे. ओके, रही बात सब्सक्रिप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, फटाफट से कांटेक्ट करो मुझे. ओके, और डाउट हो तो मुझे बताना. ओके, सो दैट इज़ अ थिंग गाइस, हैप्पी ऑडिशनिंग, गुड बाय एंड बाय.